आज हम बनाएंगे आलू की भाजी। आलू की आप सब्जी बोल सकते हो उसे। आलू की सब्जी बनाने के लिए आपको ये चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। कटा हुआ आलू है, प्याज है, ये मसाला है और ये सूखा मिर्च। गैस अभी ऑन कर देता हूँ। तेल गर्म हो गया, अभी इसमें सूखा मिर्च डालेंगे। फिर सूखा मिर्च डालने में खुशबू उसका बढ़िया आता है। एक दो सूखा मिर्च डाल दिया। अभी हम इसमें पंचफुटन ऐड करेंगे। ये देख सकते हो पंचफुटन बोलते हैं इसे। इसका खुशबू आने लगा। अब इसमें थोड़ा सा प्याज ऐड करेंगे। प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, ये आलू के साथ हो जाएगा। फिर इसमें आलू ऐड कर देंगे। आलू का छिलका नहीं निकालना है, नहीं तो आलू टूट जाएगा। फिर आलू को धो के अच्छी तरह से साफ करके इसको डालना है। फिर उसके साथ बचा हुआ प्याज ऐड करना है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी। ऐड करेंगे थोड़ा सा हल्दी ऐड करना है, थोड़ा सा लाल मिर्च ऐड करना है। बस इतना हो गया। सिंपल तरीके से बनाना है। अभी इसको 2 मिनट के लिए ढक देना है। 2 मिनट के बाद में अभी 2 मिनट हो गया। अभी इसको निकाल कर देखते हैं। इसमें जो मसाला डाला था हमने हल्दी और लाल मिर्च, इसमें ऑब्जर्व हो गया। अभी इसमें ऐड करेंगे नमक। ऐड करेंगे टेस्ट के हिसाब से। अब नमक ऐड करना। मैं इसको और 2 मिनट ढक देते। अब इसको निकाल के देखते हैं। बढ़िया से बन रहे हैं, आप देख सकते हो। ज़्यादा पकने के लिए छोड़ देंगे ये करने के लिए, तो फिर आलू टूटने का चांस रहता है। अब ये धीमी आंच से पकाएंगे और 5 मिनट से ऐसे ही छोड़ देते। देखिए फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया तरह से बन रहा है और उसे 5 मिनट ऐसे ही फ्राई करेंगे धीमी आंच से, तभी उसका बढ़िया फ्लेवर बढ़िया टेस्ट बनेगा। जैसे बोलते हैं फ्रेंच फ्राई जिसे बोलते हैं, वो इस तरह से बनेगा। लेकिन ये सिंपल है। बाद में कभी आपको मैं फ्रेंच फ्राई बना के दिखाऊंगा, लेकिन अभी उसको देख सकते हैं, उसका आराम से पक रहा है। अभी उससे और 5 मिनट छोड़ देते पकने के लिए।